नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जो इस देश में हुआ है बहुत ही निंदनीय है। पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई, ये देश के ऊपर श्राप है, कलंक है कि दो साधुओं को इस तरह से मार दिया जाता है, उनके ड्राइवर को बेरहमी से मार दिया जाता है। और इसमें पुलिस पूरी लिप्त नजर आती है। महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई के लिए मांग होती है तो सीबीआई देने से नजरअंदाज कर देती है, मना कर देती है। सुशांत के केस में किया, सबने देखा। दिशा सल्यान के लिए बोला तो भाई, उसके लिए तो इन्होंने बिल्कुल ही बातें दबा दी। और फेक टीआरपी के लिए जब सीबीआई को गया तो इन्होंने मना कर दिया कि हम हमारे राज्य में अनुमति नहीं देंगे सीबीआई को आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये पूरी इन्होंने एक चीज रन करी है। अब आपको समझना पड़ेगा कि पालघर में जब साधुओं की मृत्यु हुई थी तो कैसे हुई थी। कोरोना का टाइम था, वो जा रहे थे गाड़ी से, इको गाड़ी थी उनकी, मारुति की। अब वो निकल रहे होते हैं तो यहाँ पे पालघर में उनको रोक लिया जाता है। वो सूरत जा रहे थे तो इनको रोक लिया जाता है भीड़ के द्वारा, इनकी गाड़ी को पलट दिया जाता है। और उसके बाद ये बचते बचाते पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर रुकते हैं कुछ देर, पुलिस इनको बाहर लेके आती है और बाहर लाने के बाद उस भीड़ के सुपुर्द कर देती है। ये सबसे खतरनाक और दुखद है कि पालघर की पुलिस ऐसा करती है, ऐसा गलत कृत्य करती है। और ये साफ ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप मेरे ट्विटर OASKD पे जाके ये पूरा वीडियो देख सकते हो। मींस ये वाला वीडियो बहुत क्लियरली मैंने भी अभी देखा। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियोस देखे, बट ये वीडियो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेगा कि कैसे यहाँ पे पुलिस धक्का दे रही है एकदम क्लियरली। और वो पीछे से साधु आके उस पुलिस वाले को पकड़ता है बचने के लिए। पुलिस वाले घूमते हैं और उसको वापस से भीड़ में धक्का देते हैं बकायदा, इस तरह से कि अरे जा, जैसे तो पता नहीं क्या। और उसके बाद भीड़ पीटती है। अब भीड़ भी देखो ऐसे पीट रही है जैसे कि कोई दुश्मनी है, किसी ने कोई रेप कर दिया हो, कोई अपराध कर दिया हो, किसी में दया नहीं है। सारे राक्षस हैं और ये पुलिस वाले राक्षस हैं जो एक फायर नहीं करते हैं। और इसके खिलाफ भैया महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की मांग मना कर देती है। और उस वीडियो में आपको क्लियर दिखेगा कैसे उन्होंने लाठी सर पे मारी और वो साधु जमीन पे गिर गया। बहुत ही दिल दहला देने वाला वीडियो है, ट्विटर पे जाके देखना आप, आपका भी दिल रो पड़ेगा। तो ऐसे देखो दोस्तों, ये जो कृत्य हुआ ना पालघर में, बहुत ही दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। और सीबीआई की मांग उठनी चाहिए, क्योंकि अब आप शांत हो गए तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे। ये जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई है, न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। उस ड्राइवर के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए जो जा रहा था, जिसको सिर्फ कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल गेन एजेंडा के लिए मार दिया। नहीं यार, ये चीज बहुत गलत है और दुखद है। मैं तो मतलब फिर कहूंगा कि इसके खिलाफ अगर आप मांग नहीं कर रहे तो सीबीआई की मांग करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये देश में ऐसे लोग आते जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, इनको लगता है हमारी तो सत्ता है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। यही तो इनके दिमाग में बैठ चुका है कि भाई हमारी पावर है, हमारी सरकार है, हम भैया चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, है ना। ये वही चीज है, मैं यहाँ का जयकांत शिकरे। तो भैया ऐसे लोग को हटाना पड़ेगा, सिंघम हमें बनना पड़ेगा। अगर नहीं इनको हटाया इनकी जगह से तो ये पूरे समाज को दूषित कर देंगे। हर एक बढ़िया पॉजिटिव जो व्यक्ति आज बचा है उसको मार गिराएंगे। नहीं, ये देश में ऐसा नहीं होगा, आगे और साधुओं की हत्या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि सीबीआई की मांग करो, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सबको पता लगना चाहिए कि सीबीआई की मांग चाहिए। और आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके OASKD जो यूजर नेम है उस पे जाइए और इस वीडियो को देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप इसको मतलब घरों तक पहुंचाइए, जो नहीं जानते हो वो भी देखे कि किस तरह से साधुओं की हत्या की है। इस वीडियो में आपको क्लियर दिखेगा और ये पहुंचना चाहिए और सीबीआई बैठनी चाहिए। हिंसा नहीं करनी है हमें, हमें अहिंसा करते हुए, नियमों को रखते हुए, हम पूरे कानून के तरीके से सीबीआई चाहते हैं और इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तो यार इस वीडियो के थ्रू मेरी यही अपील है, हिंसा नहीं करनी है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।